तस्वीर को देखिए। हो सकता है कि अब तक आप इन दोनों को पहचान गए होंगे, और अगर दोनों को नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम एक को तो पहचान ही गए होंगे। एक बार इस तस्वीर को और देख लीजिए। चलिए कोई नहीं, हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये तस्वीर किसकी है और ये दोनों कौन हैं, और भला अब ये क्यों वायरल हो रहे हैं। शुरुआत जरा शुरू से करते हैं। खड़े इस लड़के का नाम देवेश है, वही बेड पर बैठे बच्चे का नाम अनमोल है। ये वही देवेश और अनमोल हैं जो देवरिया हत्याकांड में दुबे के परिवार की तरफ से थे। हत्याकांड के वक्त देवेश तो घर पर नहीं था, लेकिन अनमोल घर पर था। हमलावरों ने हमला करने के बाद अनमोल को मरा हुआ समझकर भाग गए थे, लेकिन अनमोल मौत को मात देकर अस्पताल में धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। दरअसल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती अनमोल के बड़े भाई देवेश ने मुलाकात की। इस दौरान अनमोल ने हालचाल पूछा तो देवेश ने कलेजे पर पत्थर रख कर कहा कि घर पर सब ठीक है। इसके बाद दोनों भाई मुस्कुराने लगे। दोनों भाइयों की ये भावुक मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके बाद लोग नियति को कोसते हुए अनमोल के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। जब देवेश गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अनमोल से मिलने पहुंचा तो वो लिपट कर पहले रोने लगा। देवेश की माँ ने तो अनमोल पूरे परिवार के बारे में पूछ रहा था कि घर पर हुए हमले के बाद क्या हुआ, लेकिन छलकते हुए आंसुओं के साथ देवेश ने छोटे भाई से झूठ बोला कि सब ठीक हो गया है। अनमोल बार बार परिवार वालों से मिलने की जिद करने लगा। जिद पर देवेश ने जल्दी घर चलने की बात कही। वहीं अनमोल को बहला कर मुस्कुराने लगा, तब अनमोल भी हंसने लगा। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों के चेहरे की मुस्कान देख अस्पताल में तैनात कर्मचारियों की आंखें भर आई। सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों के फोटो को देख लोग घटना को लेकर नियति को कोस रहे हैं। दोनों भाई करीब आधे घंटे तक साथ रहे। बता दें कि देवरिया के लेहड़ा गांव के रहने वाले अनमोल घटना के दिन से ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती है। अब उसकी हालत में तेजी से सुधार आ रहा है। वो अपने अस्पताल के कमरे में टहल रहा है। उसे खिचड़ी और अन्य तरल पदार्थ भी दिया जा रहा है। अब उसके टाके काटे जाने हैं। बता दें कि देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे जमीन के विवाद में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। इससे गुस्साए पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पति पत्नी और उसके 3 संतानों को गोली मारकर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी, जबकि एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन जिस किसी ने भी इस तस्वीर को देखा उसकी आंखें नम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।